stress is getting just a little bit lower. Mine's getting just a little bit closer. Hello friends, welcome to my another vlog. कैसे हैं आप लोग? I hope आप लोग अच्छे होंगे. आज की शुरुआत कुछ यूं होने वाली है कि आज है मेरा बर्थडे, स्पेशल डे है मेरे लिए. तो आज हो रहा है सुबह, सभी की कॉल आ रही है, व्हाट्सएप मैसेज सब चल रहा है. और पापा को आज जाना था अपनी आंखें दिखाने, तो वो लोग चले गए हैं. तो उनको बस नाश्ते मैसेज सिंपल सा दे दिया था. तो अभी बच्चों की फरमाइश पे बन रहा है मैगी, इधर बना दिया है उनको, पानी वाली मैगी है एकदम सिंपल सी. और इधर हम लोगों ने अपने लिए बनाया है, हलवा बना रहे हैं. तो अभी तो बस अभी ब्रेकफास्ट वगैरह हो जाए, फिर उसके बाद देखते हैं कि आगे का क्या प्रोग्राम होने वाला है, कैसे पूरे दिन सेलिब्रेट होगा. तो अभी तो कोई ऐसी प्लानिंग नहीं है, पापा लोग आ जाए फिर उसके बाद डिसाइड होगा कि क्या किया जाएगा. फिलहाल हम इंजॉय करते हैं अपनी मैगी और साथ में हलवा. और मौसम का हाल तो कुछ यूं हो रखा है कि समझ ही नहीं आ रहा कि क्या होने वाला है. कभी भी धूप निकल आती है और कभी भी बारिश होने लगती है. अभी देखिए धूप थी बहुत तेज से और अभी मौसम कुछ ऐसा हो गया है. तो चलिए अब हम नाश्ता वगैरह कर लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे. और मेरे बर्थडे की वजह से छोटी वाली दीदी भी घर पे आ गई है. हम लोग बच्चों को लेके नीचे आ गए हैं और गौरांग और मान्या ने तो झूला एक एक पकड़ लिया है, लेकिन जैसे ही ईशी ने देखा झूला तो वो बिल्कुल एक्साइटेड हो गई है. अभी छोटी वाली दीदी जा रही है घर वापस, तो हम लोग जा रहे हैं ड्रॉप करने. और मुझे जाना है यहाँ पे डॉक्टर को दिखाने, तो वहाँ पे रास्ते में ही पड़ेंगे डॉक्टर, तो वहाँ मैं अपनी रिपोर्ट्स वगैरह दिखाना है तो वो दिखा देती हूँ. तो साथ में ही हम सब लोग जा रहे हैं. दीदी की सोसाइटी बहुत अच्छी है, इसका व्यू बहुत अच्छा आता है. और सबसे अच्छी बात है यहाँ पे सिक्योरिटी बहुत अच्छी रहती है, बच्चों के लिए बहुत सेफ है. बच्चे खेलते रहते हैं रोड में, मतलब पार्क में ना खेले यदि यहाँ भी खेलते हैं अंदर तो भी उनके लिए कोई ख़तरा नहीं रहता है. गाड़ी एक भी अंदर नहीं आती, यहाँ पे बैरिकेड कर दिया जाता है, तो गाड़ी सारी बेसमेंट में जाती है, ऊपर कोई भी गाड़ी नहीं आती है. तो हम लोग मेन गेट पे जा रहे हैं, वहाँ से ऑटो ले लेंगे और फिर दीदी हमें ड्रॉप कर देंगी रास्ते में और फिर वो अपने घर चली जाएंगी. तो अभी हम पहुँच गए हैं डॉक्टर के पास. तो उन्होंने मुझे, मतलब ये मेरे इनके साथ सेकेंड विजिट है और इन्होंने मुझे भी आगे और कंटिन्यू करने के लिए बोला है, तो मेरा भी कोर्स आगे और चलने वाला है. तो हमने तो दिखा दिया है डॉक्टर को, और मान्या को मैं साथ में लेके आई थी क्योंकि इसकी एक वैक्सीन पड़ी हुई है जो कि बहुत टाइम से लगवानी है, लेकिन वो फिर रह जा रही है. तो मैंने सोचा कि इस बार जाके इसको ज़रूर लगवा दूँगी. तो अभी तो खैर वो बहुत मना कर रही थी, आ भी नहीं थी, मैं उसको ज़बरदस्ती लेके आई बहला फुसला के. तो अभी इनका भी काम हो गया है, मतलब पापा का जब भी दिखाने का होता है ना दिल्ली का, तो हम लोग भी अपना काम साथ में ही कर लेते हैं. तो अभी हम घर आ गए हैं और मान्या के इंजेक्शन भी लगवाना था, उनके वैक्सीनेशन भी पड़ी हुई थी एक दो इंजेक्शन, तो एक अभी वो लगवा दिया, एक अभी जब नेक्स्ट विजिट होगा तब दूसरा लगवा देंगे. मेरा तो तुरंत हो गया था, मान्या वाले में थोड़ा सा टाइम लग गया. और अभी हम लोगों को निकलना भी है, चलते हैं फटाफट से तैयार होके. अभी तो चाय बनाना है, चाय वाय पी लेंगे, तैयार होंगे फिर निकलेंगे. और शाम भी हो गई है, 6:30 बज गए, तो हम लोग थोड़ा सा लेट ही हो गए, तो अभी जाके जल्दी जल्दी सारा काम करना पड़ेगा. कहाँ जा रहे हैं हम लोग? आज हम जा रहे घूमने. कहाँ? अच्छा, कहाँ जा रहे हैं? लेकिन वो फॉल का नाम नहीं पता है ना, और हम दोनों ने बॉटल भी भर दी. कहाँ? ये और इतना हमने गाड़ी में प्याज लगे तो हम पी सके है ना बर्थडे. हाँ, तो गाइस मैंने मम्मा के लिए एक कार्ड बनाया दोपहर को, पापा ने भी हेल्प की है. ये एक लिखी है मैंने, मैंने कलर किया, और ये मैंने मम्मा के लिए रेनबो बनाया है. और आपने क्या किया है? मैंने ऐसे पार्टी का प्लान कर दिया मैंने. ओह माय गॉड. तो हम लोग अब जाने के लिए बाहर तैयार हो गए हैं. तो दीदी लोग भी, छोटी दीदी भी आ गई है नीचे, वो लोग हमें पिकअप कर लेंगे यहाँ से. पापा और बच्चे सब लोग चले गए हैं नीचे, अभी हम और दीदी बचे हुए हैं क्योंकि दीदी थोड़ा सा रेडी हो रही हैं, मैं तो रेडी हो गई हूँ. और चलते हैं नीचे, फिर वहाँ मिलते हैं. तो दीदी भी रेडी हो गई हैं और हम लोग जा रहे हैं क्योंकि हम लोग का वेट कर रहे हैं, दीदी आ गई हैं हम लोग को पिकअप करने. हम लोग थोड़ा सा लेट हैं हमेशा की तरह, तैयार होने में थोड़ा बहुत टाइम लग ही जाता है. लेडीज़ प्रॉब्लम. मेरी भाभी का बर्थडे पार्टी उनकी तरफ से. फिर आपको मिलते हैं जहाँ पे हम सब इकट्ठे होंगे. मैंने आपके लिए बनाया है.
थैंक यू, माने ने मेरे लिए कार्ड बनाया है, थैंक यू सो मच। दादा पेमेंट कर, पैसे लायो क्यों दादा? दादा इधर देखो, पैसे लायो पार्टी का। क्रेडिट कार्ड लाया होगा? क्रेडिट कार्ड लायो पापा का। पर तो वही वो पार्टी देता है? नहीं, जो प्लानिंग करता है वो देता है। नाना जी कुछ बता रहे? मामा जी से पेमेंट करा देंगे। अच्छा तो ठीक है। आज आपको मेरे बर्थडे पर गाना गाना पड़ेगा। अभी हम पहुंच चुके हैं हैबिटेट सेंटर और यहाँ पे ना सारी शॉप्स जो है ना 9:30-10 बजे के अंदर बंद होने लगती हैं, तो हम थोड़ा सा लेट हो गए थे, घर से ही थोड़ा सा लेट निकले थे। वैसे हमसे बोला गया था लेकिन क्या करें, मतलब सब कुछ एक तो रेडी हो, फिर सब कुछ रखना और सब लॉक करना, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाता है। फिर बच्चों को भी हमें ही तैयार करना होता है, और लोगों को लगता है कि हम लोग जानबूझ के लेट करते हैं, बट ऐसा नहीं होता, हमें बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। That one's just me, Tom Street. परेशान मत हो, लेकिन ये गाड़ी रिमोट कंट्रोल क्यों है? ये गाड़ी रिमोट कंट्रोल थोड़ी ना, मान्या चला रही उसको। गौरांग की घड़ी टूट गई है और वो बहुत रो रहे हैं। चेतन उसको सही कर रहा है, जो सही हो जाएगी, लेकिन वो बहुत परेशान हो रहा है। जुड़ गई बेटा, वो देखो जुड़ गई। तुम फालतू रो रहे हो, हंसो 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 गौरांग, हंस कैसे रहे? हंसो जरा, पहले हंसो, देखो मौसी भी देखेंगे। हंसो 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 हंसो, ये कैसे, कौन हंसता है? तो शर्मा रहा है अब, हंस रहा है। Come away with two arms now, got me singing by in the dark, no feelings I couldn't. पान खाते हुए नशे नशेड़ी लो। अभी खत्म नहीं हुआ आपका? मैं खत्म हो गया, तुमसे सीखा तो पिछली बार। आज मेरा खत्म हो गया, आज मेरा पान जल्दी खत्म हो गया, अभी इनका चल रहा है। तो अभी हम जा रहे हैं गेट के बाहर आइसक्रीम खाने। चेतन खाएंगे, हम तो नहीं खाएंगे, और बच्चों को इसलिए नहीं देना है क्योंकि स्कूल खुलने वाले हैं, तो उनको जुकाम ना हो जिससे। तो अभी चलते हैं हम बाहर की तरफ। भैया ये वाली अच्छी होती है? इधर तो बहुत सारे लोग, भैया बेचारे अकेले बैठे हैं। चेतन देखो कौन सी चाहिए, कौन सी? और बच्चों के लिए चेतन वाले से हम भी थोड़ा टेस्ट कर लेते हैं कैसी है। लो, बहुत टेस्टी है, मजेदार। हमारी दीदी ने हमको एक शॉर्टकट बता दिया है, देखना शॉर्टकट ही है ना, न पता चले कल तक पहुंच रहे हैं। तो अब रात के 12 बज रहे हैं और हम पहुंच गए हैं अपने घर पे, इतनी देर फोटोशूट करने के बाद। और अब आइसक्रीम इस टाइम पे पिघल गई होगी, कोई नहीं, फ्रीजर में रख देंगे, जम जाएगी, बच्चों को कल खाना है। चलते हैं, बनाते हैं बेल अपने घर पे। आज का दिन बहुत अच्छा रहा और सबने बहुत इंजॉय किया, मतलब मैंने तो किया ही, बाकी बच्चों ने और सबने बहुत इंजॉय किया। बहुत अच्छा बर्थडे था। कोई भी ओकेशन हो, जब आप अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करते हैं तो वो सबसे बेस्ट पार्ट रहता है। तो सबसे अच्छा बर्थडे रहा क्योंकि इसमें सभी लोग थे साथ में। मम्मी के जाने के बाद बिल्कुल मन नहीं करता कुछ भी करने का, लेकिन दीदी लोग रहती हैं तो अच्छे से उन्होंने मेरा बर्थडे सेलिब्रेट किया, तो इसे बहुत ही यादगार बना दिया। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के ब्लॉग को हम यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया है तो इसे लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा, शेयर करना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।